हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट क्रिएटिव कपल। तो आज मैं आपको अपना हॉस्टल लाइफ शेयर करूंगी। तो अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर। तो अब मैं ब्रश करके फ्री हुई हूँ और मैं थोड़ा अपना बेड वगैरह साफ कर रही हूँ। और हॉस्टल में होता ही नहीं है कुछ करने को, बस ये थोड़ा बेड वेड साफ कर लो, नाश्ता कर लो, फिर पढ़ाई करो, फिर खाना खा लो, फिर पढ़ाई करो, उसके बाद थोड़ी देर सो लो, फिर चाय नाश्ता कर लो, फिर पढ़ाई करो, फिर रात का खाना खा लो, फिर पढ़ाई करो। मतलब खाना, पढ़ना और सोना, और कुछ नहीं होता है यहाँ पे करने के लिए। हे गाइस, तो अब मैं आपको अपना रूम शेयर करूंगी कि मेरा रूम कैसा है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज माय बेड। और ये जो रूम में मैं रहती हूँ, थ्री सीटर रूम है, बट हम दो लोग रहते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड का बेड है, वो बैठ के पढ़ाई कर रही थी। और बहुत मैश हो रखा है रूम में, क्योंकि सिर्फ हम लोग एग्ज़ाम देने आए हैं, तो नॉर्मल गंदा ही है रूम। और ये पूरे मेरा रूम का लुक है। ये मेरे रूम से बालकनी का व्यू है, तो कुछ इस तरीके का व्यू है। जो रूम के अंदर बालकनी है उसका ये व्यू है। और अब हम चलते हैं रूम के अंदर। ये मेरी फ्रेंड है जो मेरे संग रहती है रूम में। एंड ये रूम के बाहर जो बालकनी है, मतलब जो कॉमन बालकनी है, उधर से कुछ इस तरीके का व्यू है। बहुत ही बढ़िया व्यू है। और ये सीधे जाके जो ऊपर वाली सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, यहाँ से ऊपर जाके हम मेस में जाते हैं। हाँ, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे मेस, और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। तो हम लोग फोर्थ फ्लोर में रहते हैं। एंड अभी हम लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में बना है पराठा और आलू की सब्ज़ी। ये हमारा मैश है, ये इस तरीके का है। और अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ और कुछ मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, क्योंकि मैं बीमार थी, विथ वाटर। और अब मैं आई हूँ नहा धो के खाना खाने। तो खाने में बना है चावल और ये सब्ज़ी, दाल एंड रोटी। हमारे हॉस्टल का खाना अच्छा होता है। और यहाँ पे अब मैं दोपहर में बैठ के पढ़ रही हूँ। तो यू कैन सी द स्ट्रेस लेवल। नेक्स्ट एग्ज़ाम रहता है ना, तो इंसान फिर बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ता है। पता नहीं कैसे ही बहुत तेज़ मन पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। बस अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। एंड देन ये हमारा शाम का नाश्ता, उसमें चाय मिलती है और कुछ स्नैक्स मिलता है, तो आज पोहा मिला है। तो अब मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, हम लोग कैब से जाते हैं। तो मेरा सेंटर है गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज भोपाल का, तो हम लोग जाते हुए अपने कॉलेज। So this is how we go to the college. So guys, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी पता है मेरे हस्बैंड ने क्या किया? उन्होंने मुझे एक सरप्राइज दिया, और सरप्राइज में मेरे लिए डोमिनोज के पिज्जा मंगाती है। आई एम एक्साइटेड, तो चलो खाते हैं। हाँ, सो गाइज, मुझे ये सरप्राइज में मिला है, देखते हैं क्या क्या है। तो ये रहा, ये मैं भी आपको, ये सारे सील पैक्ड हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अनटच्ड बाय हैंड, मतलब कि कोरोना फ्री है, अनटच्ड बाय हैंड है। अब ये फर्स्ट हैंड मेरा ही लगेगा इस पे। दिस एंड दिस ऑल्सो, दो पिज्जा है और ये एक चोकोलावा केक है। तो मैं आपको खोल के सब दिखाती हूँ और मैं खाती हूँ। ये रहा, आई थिंक ये अनियन है, ये वाला फुल। ये चोकोलावा केक है, ये एकदम गुड़ की तरह दिख रहा है, बट ये चोकोलावा केक है। सो हैव अ बाइट। तो अब हम लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। हेलो गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ अपना एग्जाम देने। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एग्जाम सेंटर, और मैं अपने दोस्तों से भी आपको इंटरेक्ट कराऊंगी, और देखते हैं हमारा एग्ज़ाम कैसा जाता है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो दिस इज़ अ सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर, दिस इज़ गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज ऑफ भोपाल। तो यहाँ हम सब एग्ज़ाम देने आते हैं, और अभी हम सब लोग एग्ज़ाम दे करके बाहर आ गए हैं। मेरी क्लास के सारे बच्चों का एग्ज़ाम पहले हो गया है, तो हम सब बाहर आ गए हैं। और ये हमारा एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम जाते हैं अंदर। और एग्ज़ाम्स क्लासेज हैं, तो सबको रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्लासेस दी गई हुई हैं, और कोरोना के हिसाब से क्लासेस दी गई हुई हैं। ये वाला पूछा था। तो गाइस, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर।
एग्जाम के बारे में। बस कितना गुल गुल मत घूमे आपका। अरे अपन तो छाप मारा। तो अभी ये फील आ रहा है कि हो सकता है कि थर्ड ईयर डाल ले। और अभी आके तो अभी तीन और पेपर बचे हैं। अभी तक के तीन कैसे गए? अभी तक मैं कह दूं तो मेरे तो अच्छे गए। अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। आपका कैसा गया? मेरा आज का पेपर बहुत मस्त गया, बाकी के दो का पता नहीं है। आज तो पेपर में मजा ही आ गया। तो कैसा गया पेपर आप लोगों का? पर याद बहुत गंदा। ये लोग टॉपर हैं बट ये भी भाई याद कह रहे हैं तो हमें डर लग रहा है सुनने में। आपका कैसा गया? ठीक ठाक। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया। लेकिन ये कोहल, ये इसका भाई है, इसका छोटा भाई है। तो हम लोग अब एग्जाम दे करके अपने अपने रूम में जा रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग, एग्ज़ाम दे के जब अपने रूम में सुकून से जाना बहुत। तो अब हम लोग ये शाम को पढ़ाई वढ़ाई करके जो कुछ हम लोग को लेना था वो सब लेने आए, मैं और मेरी फ्रेंड। और क्योंकि ना एकदम पढ़ते पढ़ते दिमाग ना एकदम बंद हो जाता है, थोड़ा घूम फिर लो तो एकदम रिफ्रेशिंग सा लगने लगता है। सो जाय से तेल खरीद रही है, पैराशूट हेयर ऑयल। गाइस मैंने इसको सूप पीने की आदत लगा दी है तो अब ये सूप पी रही है। बहुत गंदी आदत लगा दी। और कौन सा है? एक है इधर, एक वेजिटेबल है। ये अच्छा लगता है? टोमेटो चटपटा। गाइस मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कौन सा सूप पसंद है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट्स क्रिएटिव कपल। बाय बाय, टेक केयर।